क्या खाओगी? आइसक्रीम खाओगी? कौन सा वाला? स्टिक वाला? कितना? ओके। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद फिर दोबारा अपने आँख पर काला चश्मा, वही फिर आँख का घाव यानी इन्फ्लुएंस जो हो रहा है, वायरस जो मेरे आँख से दूसरे के आँख में ना जाए, घर का परिवार हो या बाहर वाला भी हो। तो इस वजह से सनग्लास सुबह से ही लगा के बैठा हूँ, क्या करे, मजबूरी है। लेकिन एक्चुअली जब तक हम लोग क्या करते हैं कि धूप के समय सनग्लास लगाते हैं तब कुछ नहीं होता है, लेकिन जब कंटिन्यूसली 24 आवर जैसे रात को सोने से पहले से खोलते हैं तो दिन भर लगाने से क्या असुविधा हो रहा है, तो क्या करें, मजबूरी में लगाना ही पड़ता है। तो अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। भुटे का भात यानी फ्राई चावल जो कल का बचा हुआ, चटनी, चाय, साथ ही मेरे साथ अनीता भी ब्रेकफास्ट एक साथ कर रहे हैं हम दोनों। तो अनीता तो शुरू कर लिया है अपना ब्रेकफास्ट, लेकिन उसका ब्रेकफास्ट प्लेट पर ब्रेड भी है जो कि कल का बचा हुआ ब्रेड भी खा रही है। इधर देखो अनीता, शेयर नहीं किया तो ब्रेड अकेले अकेले दे रहे, तो दबा के बोलती नहीं है। सो गाइस, अभी शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर दोबारा। सो गाइस, अभी हमारे घर में नया नया स्कूटी लिया है, उसके बावजूद भी हमारे घर में नया सिलेंडर खत्म होने के बावजूद क्या किया है, सिलेंडर स्कूटी में नहीं लाएगा। मम्मी का कहना है कि सिलेंडर स्कूटी में लाएंगे तो सिलेंडर क्या हो जाएगा, स्कूटी क्या हो जाएगा, स्केच। तो स्कूटी, नया स्कूटी स्केच हो जाएगा। तो इस वजह से तो क्या किया मम्मी ने, पिताजी ने टोली वाला को या साइकिल वाला को भाड़ा देके 50 रुपये दे के स्कूटी लेके आया। ये कोई बात हुआ, बेकार में 50 रुपये चला गया, तो 50 रुपये होने से अच्छा नहीं होता था, तेल चला जाता था स्कूटी पे। स्कूटी में 50 रुपये का तेल डालना अच्छा है ना भाड़ा देना अच्छा है? 1,09,000 का स्कूटी अभी एक सप्ताह भी नहीं खरीदा, क्यों नहीं है? देखने से ऐसा होता है, चश्मा लगाना पड़ता है। कौन बोलता है कि प्लेन साइड में बैठने से गांव वाला खाना यानी पहाड़ी वाला खाना नहीं मिलता है? यहाँ पे हमारा सलवा पर जब हम लोग पहाड़ छोड़ के यहाँ पे आए हैं यानी कालिम्पोंग छोड़ के यहाँ आए, आने के साथ साथ जितना दिन हुआ, जितना साल हुआ, तब से हम लोग पहाड़ी खाना खा रहे हैं। यानी हमारे पहाड़ में होने वाला साग राया को साग पहाड़ से भी जल्दी निकलता है, यहाँ पे देखिए वो भी ऑर्गेनिक। आज होगा राया का साग के साथ भात, देखिए राया साग। क्या क्या बनाएंगे मम्मी खाने में? बनाएंगे ऑर्गेनिक राई साग, ऑर्गेनिक मछली है, चिंगड़ी माछ, देसी इसका मलाई, मलाई चिंगड़ी बनाएंगे, उसके बाद मटर का चटनी, नेपाली वाला मटर का चटनी। तो गाइस, आज तो हम लोग पूरा गोरखे खाना यानी पहाड़ी खाना खाएंगे, मस्त एंजॉय करेंगे आज। दीक्षण को भी दवाई लगा दिया है, तो दीक्षण बहुत क्यूट तरीके से सोफा में लेटी हुई है, अभी आंखे का डर नहीं। दीक्षण का डर, आंख खोल कर दीक्षण, आई खोल, आई खोल, पूरा खोल। ए बॉय ना, दवाई लगाए बोरा ले, बच्चे क्यूटी। सो गाइस, अभी यहाँ पर दुकान आए थे दही लेने के लिए, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि वो फ्रंट में दही डालना है, तो इस वजह से दही लेने आए। लेकिन आए हैं हम क्या आज पैदल, तो चलते चलते कभी कभार क्या है, पैदल चलना भी अच्छा होता है सेहत के लिए। वैसे तो हम सुबह दौड़ते हैं, लेकिन क्या है अभी पैदल ही चल रहा है, यहाँ पर धूप भी है लेकिन क्या है मस्त चल रहा है। क्या खा रही हो? खाओ खाओ खाओ। अभी लंच टाइम, तो आज सुबह से लेकर मम्मी पूरा किचन पे ही थी, बिजी थी ये खाना को स्पेशल बनाने के लिए। तो अभी हमारा खाना टेबल पर आ चुका है, तो अभी दिखाते हैं खाना में क्या क्या स्पेशल है। पहले सादा भात, ये बागदा चिंगड़ी, चटनी, मटर का अचार और ये राय का साग। सो गाइस, अभी लंच शुरू करते हैं। लंच शुरू करने से पहले चिंगड़ी का झोल, बहुत ही बढ़िया। अभी आँख सूजा हुआ है, लेकिन गैलसन क्या हुआ, तुम चिंगड़ी नहीं खाया, अच्छा नहीं लगता है? Because I hate fish. क्या हुआ? I hate fish. आप ही बना को? आप ही ने बना कर खाया? खाया कौन सी ना मुख में आ लेके सीन? खाया रहते हैं ना, तेरे टेस्ट तो बन्नू।
ये भी है। सो हमारा चिंगड़ी बहुत स्वादिष्ट। अभी वीडियो बंद करते हैं, खाने में कंसंट्रेट करते हैं। हमारा बाबा गमछा लगा के पूरा भोजन एंजॉय कर रहे हैं। आंख में बाबा के चश्मा। सो गाइस, आज मैं दीचेन के हाथ पर क्या कर रहा हूँ, मेहंदी लगा रहा हूँ। तो दीचेन ने बोला कि मेहंदी लगा दीजिए, तो अभी मेहंदी लगा रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम आज दीचेन के हथेली पर मेहंदी, मेरे दीचेन के छोटी छोटी हाथ पर, लेकिन हमको आता नहीं है। सबसे पहले गोल, पापा का पैसा, गोल गोल दीचेन का हाथ, गोल गोल। फर्स्ट टाइम तो पहली बार का मेहंदी लगाना कंप्लीट हो चुका है। दीचेन इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, मेहंदी वाला हाथ दिखाओ। तो हमने जो मेहंदी लगाया, देखिए दीचेन का हाथ में मेहंदी। दीचेन दीचेन हैप्पी। दोनों चेस खेल रहा है, पिताजी और गैलचेन चश्मा लगाकर। तो गैलचेन यहाँ पर, पिताजी और साथ ही मम्मी पलंग पर सो के मोबाइल देख रही है। रात के समय में भी हमने सनग्लास लगाए हैं। ओ दीचेन हाथ का मेहंदी दिखा रहे, दीचेन हाथ उल्टाओ उल्टाओ, वो दीचेन का हाथ का मेहंदी। सो गाइस, आजकल ब्लॉग यही समाप्त कर रहा है। कृपया करके लाइक सब्सक्राइब वो बेल आइकन दबाना मत। जय भारत।